नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूँ पूर्णिमा मिश्रा। रोबोटिक्स सुनते ही आपके दिमाग में आती हैं वो मशीनें जो इंसान के इशारे पर काम करें। लेकिन रोबोटिक्स की पढ़ाई के बारे में बात करें तो आपके मन में आएंगे IIT, MIT जैसे संस्थान। लेकिन अगर हम ये कहें कि चौथी पांचवी क्लास के बच्चे रोबोटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जरूर हैरान होंगे। वो भी किसी नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं, बल्कि दिल्ली के MCD स्कूल के बच्चे। आइए आपको मिलवाते हैं भविष्य के रोबोटिक्स इंजीनियर से। ब्लैकबोर्ड और क्लास का कोई नया मेलजोल नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। लेकिन अब ब्लैकबोर्ड की जगह प्लेइंग बोर्ड ने ले ली है और प्लेइंग बोर्ड पर बच्चे नहीं रोबोट्स खेलते हैं, बच्चों के इशारों पर, वो रोबोट्स जो बच्चे खुद बनाते हैं। अपने सपनों की मशीनें खुद बना रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे। ये तस्वीर आम क्लासरूम से बिल्कुल जुदा है। यहाँ बच्चे सिर्फ कॉपी किताब का ही नहीं बल्कि मशीनों का ज्ञान भी हासिल कर रहे हैं। बच्चे अपने हाथ से रोबोट्स बना रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई रोबोटिक्स की प्राइवेट क्लास नहीं है, ये दक्षिण दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 का MCD स्कूल है। सही सुना आपने, ये एक MCD का सरकारी स्कूल है जहां बच्चे रोबोटिक्स की क्लास में भविष्य के आविष्कारक बनने की तैयारी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम रोबोट बना रहे हैं। रोबोट बना रहे हो? रोबोट क्या होता है? रोबोट मशीन से चलने वाला वस्तु होता है। अच्छा, मशीन से चलने वाला वस्तु होता है। क्या कैसे कैसे जोड़ा, क्या बनाया आपने? हम लोगों ने पहले नट्स को टाइट किया, फिर हमने चक्के जोड़े, फिर उसके बाद हमने आगे के चक्के जोड़े, फिर हमने मोटर लगाया। अच्छा, ये मोटर लगाई आपने? तो पीछे वाले चक्के में मोटर नहीं लगाओगे, वहाँ भी लगाओगे? नहीं लगाएंगे। अच्छा, एक मोटर वाला रोबोट बना रहे हैं, यहाँ दो मोटर वाला रोबोट इन्होंने बनाया हुआ है। साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 MCD के इस स्कूल ने एक संस्था की मदद से ये रोबोटिक्स लैब बनाई है। मकसद है कि बच्चों की क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाए और उनके मन में साइंस की समझ पैदा हो। क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर ऑलरेडी होती है, जब उनको कोई नई चीज दी जाती है तो वो उनकी क्रिएटिविटी और ज्यादा निकल कर आती है। तो और ये इनको ऐसा लगता है जैसे हम खिलौने से खेल रहे हैं। काफी एक्साइटमेंट है इनके अंदर, देखा गया है ये नए नए टॉयज डिजाइन कर रहे हैं। बाहर मान लो सपोज इन्होंने कंस्ट्रक्शन करते हुए क्रेन देख ली, यहाँ पे आके सेम क्रेन डिजाइन करने लग जाते हैं। अपने स्कूल लेवल में ये गियर सिस्टम का यूज करना सीख रहे हैं, नट बोल्ट का यूज करना सीख रहे हैं और कैसे स्पीड इंक्रीज करें और डिक्रीज करें बाय यूजिंग गियर सिस्टम, सारा कुछ। जमाना हाईटेक हो रहा है और इसके साथ ही MCD के स्कूल में पढ़ाई को भी हाईटेक बनाने की एक शानदार कोशिश है। ये शुभ शुरुआत अभी एक ही स्कूल से की गई है जिसे बाकी स्कूलों में भी बढ़ाया जाएगा। हमारे देश के स्कूल में बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट और खेल के लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन रोबोटिक्स और गैजेट्स लर्निंग क्लासेस की सुविधा बड़े बड़े नामी प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। अभी स्टार्टिंग में इनकी 4 क्लासेस हुई हैं, अभी रोबोटिक्स स्टार्ट हुआ है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी इनको एडवांस मैकेनिकल डिजाइन हम कराते जाएंगे। बच्चों में रोबोटिक्स को सीखने का इतना जोश है कि क्लास में अटेंडेंस बढ़ गई है और जिन बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में कम लगता है उनको तो रोबोटिक्स की क्लास में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी है। हाँ, बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं यहाँ पर आने के लिए क्योंकि कुछ अलग सीखने के लिए मिल रहा है इनको यहाँ पे ना। नॉर्मली हम लोग क्लास में एक्टिविटीज़ करवाते हैं उसमें भी इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है क्योंकि कुछ अलग मैकेनिकल इनको बच्चों को, आपको पता है, पेज से जोड़ना निकालना ये सब चीज़ें वैसे ही पसंद होती हैं, तो रोबोटिक्स इनके लिए एक अलग चीज़ है। पढ़ाई के शुरुआती सालों में बच्चों के लिए रोबोटिक्स लर्निंग सबसे बेहतर है क्योंकि इस उम्र के बच्चों में सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। उनके दिमाग में ढेरों सवाल होते हैं जिनके जवाब उन्हें गैजेट्स और रोबोटिक्स लर्निंग में मिल सकते हैं। ये बच्चे भले ही अभी अपने हाथों से छोटी छोटी मशीनें बना रहे हैं
जिनमें पार्ट और मशीन को जोड़ना सिखाया जाता है, लेकिन ये शुरुआत बड़े बदलावों का संकेत है। अगर स्कूलों में ही बच्चों को विज्ञान से जुड़े क्षेत्रों की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी तो भविष्य में वो सैटेलाइट इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई भी राह आसानी से चुन सकेंगे। हालांकि ये बहुत प्रिमिटिव रोबोटिक्स जिसको कहते हैं कि शुरुआत में कुछ मशीनों को कुछ पार्ट्स को जोड़कर रोबोट्स बनाना वो है, क्योंकि ये कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? क्योंकि ये फोर्थ के बच्चे हैं इसलिए इनसे आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि ये रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग करें, लेकिन ये शुरुआत है, यानी बच्चे छोटी उम्र में रोबोट्स के सपने देख सकते हैं और उन्हें साकार कैसा करना है उस बारे में सोच सकते हैं।